साफ साफ आत्महत्या का मामला है। शादी के असफल होने और बच्चों की कस्टडी की कानूनी लड़ाई के कारण मिस्टर सुब्रतो बुरी तरह टूट चुके थे। पुलिस के मुताबिक ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। जिस रात को यह हादसा हुआ तब सुब्रतो काफी परेशान थे। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि उन्होंने काफी शराब पी रखी थी। सुब्रतो मुखर्जी मछली पकड़ने के खास शौकीन थे और अक्सर वो अपना वीकेंड फिशिंग करते हुए बिताते थे। मिश्रा की जान से पता चला है कि सुब्रतो ने काफी शराब पी रखी थी और हो सकता है कि नशे की वजह से वो लहरों की चपेट में आ गया। सुब्रतो अपने सहयोगी पत्रकारों और रिपोर्टरों के लिए आदर्श माने जाते थे। अपनी बेपाक रिपोर्टिंग और सच को सामने लाने के साहस की वजह से वो हमेशा याद किए जाएंगे। अपने प्रतिभावान न्यूज एडिटर को खो देने के बाद टीवी चैनल क्राइम 24 का पूरा मैनेजमेंट और स्टाफ गहरे शोक में डूबा हुआ है। सुब्रतो's फैमिली स्पेशली हिज वाइफ हैव नॉट स्पोकन टू द मीडिया। दुख और निराशा के इस घड़ी में हम सब अपनी दोस्त और कलीग सुब्रतो सुब्रतो की मौत क्राइम 24 में काम करने वाले हर इंसान के लिए गहरा सदमा है, क्योंकि सुब्रतो हमारी प्रेरणा थे, हमारे आदर्श थे, हमारी ताकत थे। हम सब आज उदास जरूर हैं, लेकिन हमें गर्व है कि सुब्रतो ने कभी सच्चाई का साथ। सुब्रतो से मैं एक बार बैंगलोर में मिली थी एक मीडिया सेमिनार में। हेलो हेलो, हाँ बात हुई? सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे? हाँ 20 मिनट काफी है, 20 मिनट मेरा काम हो जाएगा। तुमको सफदरजंग में लकी होटल पता है? ओके ढूंढ लूंगा, नो प्रॉब्लम। एक बात और, उसको 15,000 रुपए चाहिए। 15? यार तूने तो 10 की बात की थी, अब 15 की बात कर रहा है तू? अब तो 15 ही है, हो सकता है तो बोल। अरे यहाँ पे किसी के पास 5,000 रुपए? 5,000? अभी अभी अचानक तुम्हें 5,000 रुपए क्यों चाहिए? अपना करियर ग्राफ बढ़ाने के लिए और सेंसेशन फैलाने के लिए। अगर है करियर का सवाल है तो फिर देने ही पड़ेंगे यार, ये लो। थैंक यू, अब मुझे मीडिया स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई शिल सी यू ऑल इन अ मिनट। थैंक यू। हाँ 5,000 रुपए का इंतजाम हो गया। 5,000 रुपए में आजकल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अरे मैं कल इंतजाम करता हूँ पैसों का। बस मेरे काम करते हैं, इंटरव्यू भी हम लोग कल ही करेंगे। अच्छा एक सेकंड। यस विराट, कहाँ हो तुम सैम? मैं अभी फ्लाईओवर पे हूँ। क्यों सैम, फ्लाईओवर बीच में कहाँ से आ गया? अभी फ्लाईओवर तो आता है बीच में। सैम वो कहाँ आएगा, वो छोड़ो, तुम आ रहे हो या नहीं अभी? कहाँ सैम? ओपनिंग में। किस बात की ओपनिंग? सैम मेरी नई पेंटिंग्स की ओपनिंग। आना वो ओपनिंग आज है। सैम व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, क्या हो गया है तुम्हें? मैं शाम की प्लानिंग 2 हफ्ते से कर रही हूँ, एक एक चीज तुम्हारे साथ डिस्कस करके। आना आई शिट, मुझे लगा कि ओपनिंग कल है। आई स्वेयर, जस्ट फॉरगेट ऑल दैट, जस्ट अभी जो भी कर रहे हो उसे छोड़ के आ जाओ। अभी नहीं आ सकता, इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ। कई हफ्तों से इस गाने के लिए वेट कर रहा था और आज स्टोरी मिली है, 20 मिनट में पहुंचना पड़ेगा वहां पे। कमाल की स्टोरी है, यू लव इट। सैम इस बार भी वही बहाना है तुम्हारा, कमाल की स्टोरी का। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा करियर, आई एम जस्ट अ कमर्शियल ब्रेक। ओके आना, कैन आई कॉल यू बैक? नो नीड। अच्छा चल, ये टाइटन भी तेरी, चेक करने की जरूरत नहीं है, सही टाइम बताती है। मैं नोट गिन के और माल चुन के लेता हूं, समझा? सर माइक। हाँ माइक है तुम्हारी आवाज पकड़ने के लिए। अच्छा यार, पहचान में नहीं आना चाहिए, ना पुलिस को ना किसी आम आदमी को। पहचान में आ गया तो अपना तो धंधा ही खत्म और फिर तुम्हारी जिंदगी खत्म, समझा? डोंट वरी, हम तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाएंगे। रेडी? क्या काम करते हो तुम? मैं फिनाइल बेचता हूँ जी। नहीं सच्ची में? सच में शूटर हूँ। इसका मतलब है तुम लोगों को जान से मारते हो। जान से क्या, अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। आज तक तुमने कितने लोगों को मारा है? ये तो कभी सोचा नहीं कि कोई पूछेगा, लेकिन 14 नहीं, ज्यादा टाइम भी नहीं होना इस धंधे में। किसी को मारने के बाद या मारते वक्त तुम्हें गिल्टी फील नहीं होता? हाँ फील होता है, सभी को गिल्ट किसी न किसी तरीके से, लेकिन क्या करें,
और तुम आदमी को मारते हो और औरतों को? औरतों को नहीं, औरतों को नहीं, बच्चों को नहीं, उसूल है अपना। और किसी आदमी को मारने के बाद कैसा लगता है? फैंटास्टिक, सुपर। और मरने से पहले क्या कहते हैं तुमसे? अब ये वैरायटी मिलती है, अलग अलग किस्म के लोग। कुछ लोग तो बंदूक देखते ही बुप, हार्ट अटैक धप, मारने से पहले। कुछ लोग बंदूक देखते ही रोने लगते, गिड़गिड़ाने लगते, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझसे डबल पैसे ले लो कि मुझे छोड़ दो प्लीज। ऐसे लोगों को मारने में बड़ा मजा आता है, उंगली ट्रिगर अपने आप दबा देती है, धड़ाम। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने आते ही एकदम से चुप हो जाते, उनकी आंखें खाली हो जाती, वो आपको ऐसे ताड़ते हैं जैसे शून्य में ताड़ रहे हो। ऐसे लोगों को मारने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। किसी इंपॉर्टेंट आदमी को मारा है तुमने? किसी वीआईपी को? हाँ, मारा है। क्यों, उनकी जान स्पेशल होती है क्या? नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मारा है ना? ये वीएम शुक्ला को, लेकिन मजा नहीं आया, बप से मर गया साला। वीएम शुक्ला को? हाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट वीएम शुक्ला को तुमने मारा है? आहो, यही तो बोला मैंने भाई। किसके कहने पर? उसका नाम बता सकते हो आप? पूछताछ कर रहा है या इंटरव्यू ले रहा है? पगलौट वाले सवाल किया तो यहीं पर ढेर कर दूंगा। कार तो संदर्भ भेजा बाहर, पता है ना? पता है। तूने मारा कभी किसी को अपनी लाइफ में? मारा है कुछ कॉकरोचेस को, चूहों को, लेकिन कभी किसी इंसान को नहीं मारा है मैंने। कोई नहीं करना चाहता ये सब, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं तब आप सोचते नहीं है, बस मार देते हैं खुद को बचाने के लिए। गौर से देख बाऊ, मैं तेरी परछाई हूं। सरजी, जो राक्षस का शिकार करने निकलता है वो खुद एक दिन राक्षस बन जाता है। Yo, hold it. Pause that. Yeah. Sam, ये अगर सही है तो? अगर सही नहीं, बिल्कुल सही है। फिर तो खेल खत्म हो गया। मैंने कहा था ना कि एक दिन मैं। और एक दिन उन्हें पता था कि वो मरेंगे। You know something, guys? सोना और छत्रपुर जमीन घोटाले के पीछे वीएम शुक्ला ही थे। इसलिए पुलिस वालों को तुम्हारी कहानी पसंद नहीं आएगी। But that's what you want. तभी तो स्टोरी बनती है। दो पार्ट में स्पेशल प्रोग्राम बना डालो। हेडलाइंस होगी, आज टीवी पे कातिल बोलेगा, खोलेगा राज, एक हत्यारे का कुबूल नामा। आई थिंक हत्यारे से बेटर है शूटर का शॉकिंग सच। व्हाट डू थिंक गाइस? आई थिंक दैट्स बेटर। आई थिंक दैट्स गुड। यप, वेबसाइट पर अपना वीडियो डाल दो, इन्फॉर्म ऑल द स्पॉन्सर्स, एंड आई वांट द प्रोमो ऑफ दिस प्रोग्राम बाय 3 o'clock ऑन एयर। सो गो, दिस इज अ न्यूज चैनल मैन। यस बॉस, दिस इज नॉट एन ओल्ड एज होम। और वैसे भी ऐसी कहानियां रोज रोज नहीं मिलती, और सैम की मेहनत को हमें जाया नहीं करना। क्या आपने कभी मौत का चेहरा देखा है? खून को जमा देने वाला सब चेहरा, जिस मौत के सामने हर जवाब खत्म हो जाता है, उसके सामने बैठकर उससे सवाल किया है आपने? शायद किसी ने नहीं, और जिसने किया भी होगा वो जवाब बताने के लिए जिंदा बचा नहीं होगा। लेकिन मैंने मौत को देखा भी और उसे सवाल भी किया, और उसका जवाब आपको सुनाने और दिखाने के लिए जिंदा भी हूँ। ये मौत घर जाते हुए कहीं रास्ते में, बस में, ट्रेन में, आगे पीछे, दाएं बाएं, सिनेमा हॉल में, मॉल में, कहीं भी आपसे टकरा सकती है। क्योंकि उसका चेहरा भीतर से खौफनाक होते हुए भी बाहर से बिल्कुल आपके और हमारे जैसे नॉर्मल इंसान का चेहरा है। लेकिन इंसान का चेहरा होते हुए भी हमसे अलग है। दया है ना इमोशन है, ना आत्मा, ना संवेदना। वो आदमी के शक्ल में आदमखोर है। प्रोफेशन की नैतिकता की वजह से हम मौत का चेहरा आपके सामने रिवील नहीं कर सकते, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके दिमाग को झंझोड़ के रख देगा। क्या काम करते हो तुम? शूटर हूँ। आज तक तुमने कितने लोगों को मारा है? ये तो कभी सोचा नहीं कि कोई पूछेगा, लेकिन 14 नहीं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ ना इस धंधे में। और तुम आदमी को मारते हो और औरतों को? औरतों को नहीं, औरतों को नहीं, बच्चों को नहीं, उसूल है अपना। अलग अलग किस्म के लोग, कुछ लोग तो बंदूक देखते ही
क्या नाम बताया था उसने अपना? उसने मुझे कोई नाम नहीं बताया। झूठ बोल रहे ना तू? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सच कह रहा हूं तो आप मान लोगे? तुम्हारी आंखों से ही लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नाम बता दो उसका, पता बता दो और फोन नंबर भी दे दो। देखिए, उसने मुझे कोई नाम तो बताया नहीं, ना कोई नंबर ना कोई एड्रेस, और जिस आदमी ने मुझे उसका कॉन्टैक्ट दिया था उसने मुझे लैंडलाइन के अलग अलग नंबर से फोन किया था। तुम्हें पता है कि तुम वीएम शुक्ला मर्डर केस की जो जांच चल रही है ना, उसमें रुकावट डाल रहे हो। रुकावट डाल रहा हूं उस जांच पे जो अब तक ठीक तरह से शुरू भी नहीं हुई। बहुत जानता है इस केस के बारे में, इसीलिए हत्यारे की हेल्प कर रहा है। देखिए सर, मैं एक जर्नलिस्ट की ड्यूटी कर रहा हूं। स्पेशल सेल के लिए बेटे में जो आता है ना, उसके साथ क्या होता है मालूम है तुम्हें? बताऊं क्या होता है? ऐसी क्या दिख रहे हो? खोपड़ी तोड़ के बाहर रख दूंगा, आई बात समझ में? एक तो कानून इनको सजा नहीं दे पाता और तुम लोग इनको हीरो बनाते रहते हो। काम ही है सालों का चंडालों को देवी बनाने का, मजाक समझ रखा है। हाँ, समर बोल रहा हूँ, चैनल वाला जिसने वॉच दी थी। हाँ, अभी तक तो बिल्कुल सही टाइम बता रही है। खैर, उसको बोलना कि उसका टाइम खराब हो सकता है। क्या बोल रहा है अबे? पुलिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तू बस अपना मुंह बंद रख, बाकी मैं देख लूंगा। ओके। हाँ गुप्ता जी बोलिए। नाइस कोर्ट। इसके बगल वाला कोर्ट ज्यादा अच्छा है, लकड़ी में थोड़ी सी नमी पड़ गई ना। सर, नमी तो आपकी आवाज में लग रही है, कोई प्रॉब्लम? सैम, एक न्यूज चैनल का डेफिनेशन क्या है तुम्हारे हिसाब से? न्यूज चैनल एक ऐसा जरिया है जो अपनी ऑडियंस को इन सारे मुद्दे सच्चाइयों के बारे में जानकारी देता है। न्यूज चैनल एक कॉरपोरेशन है सैम, जिसको चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। लाइसेंस फीस के लिए पैसा, सैटेलाइट स्पेस खरीदने के लिए पैसा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए पैसा, इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा, तुम्हारी सैलरी देने के लिए पैसा, मेरी क्लब मेंबरशिप देने के लिए पैसा, सब कुछ चाहिए और भी बहुत कुछ है सैम। और बाकी कॉरपोरेशंस की तरह इस कॉरपोरेशन में भी एक ऐसा आदमी है जो पैसों का इंतजाम करता है, एडवर्टाइजर लाता है, प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है। जानता हूं गुप्ता सर, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? वीएम शुक्ला गुप्ता जी के बचपन के दोस्त थे। डू यू गेट दैट इनटू योर हेड? शिट। यस शिट, एग्जैक्टली। सर मुझे पता नहीं था। मुझे भी नहीं पता था सर, लेकिन मेरी कहानी सिर्फ सनसनी पे नहीं, सच्चाई पे भी बेस्ड थी। और आपने कहा है कि एक न्यूज चैनल को सिर्फ अपने फायदे पहुंचाने वालों के बारे में नहीं, अपनी ऑडियंस के बारे में, सच के बारे में सोचना चाहिए। यू सेड इट योरसेल्फ। यू हैव सेड इट, आई मस्ट हैव सेड इट सम टाइम, सो बिग डील होगा। मैंने सैम, इस बार बात पर्सनल हो गई है। फिकी से फोन कॉल आ रहे हैं, कॉम्बस चेंबर्स से फोन कॉल आ रहे हैं, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त बहुत नाराज हैं उनसे, क्योंकि दिस ब्लडी स्टोरी वाज टेलीविज्ड। और दिल्ली पुलिस का ना जाना तो ही अच्छा है। हाँ, वो अपॉइंटमेंट के बिना आए थे मेरे ऑफिस में। वीएम शुक्ला को बहुत लोग मानते हैं सैम, सर इसका मतलब है आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? You're firing me. No, just forget it. Sam! Sam, mujhe samajhne ki koshish karo. Aur bhi kaam hai mere paas. Sam, I owe you one! Kya kaam hai Rani? Kahega kya? What are you doing? Haath khinch liya usne pure mamle se hamesha ki tarah. Khada ho gaya side mein Mr. Clean bankar. Aur isme tumhari kya galti hai? Galti agar hai to kisi ki to honi hai na? Kahan jaoge tum Samar? Pata nahi, jaunga kisi bar mein aaram se baith kar piyunga.
सैम, उसके पूछने का मतलब है कि I know. कुछ ऑफर्स हैं, एक तो पैक मारने के बाद सोचूंगा उसके बारे में। अरे ऑफर्स हैं क्या? है ना कि अगर खराब रास्ते पर चलने का शौक हो तो साथ में स्पेयर टायर रखना चाहिए सेफ्टी के लिए। दोस्तों लड़ना मत छोड़ना, झूठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, बीच बीच में मेरी तरह पागलपन करते रहना एक्चुअली मत करना, नहीं तो मेरी तरह तुम लोगों को भी पैकिंग करनी पड़ेगी। हमें बेहद अफसोस है और हम कबूल करते हैं कि हमारे एक सीनियर रिपोर्टर ने मशहूर बनने के लिए एक बहुत ही घटिया चीप तरीका इस्तेमाल किया और एक शूटर की कहानी, वो भी नकली, बना डाली। मैं सभी दर्शकों से, आम जनता से और खासकर दिल्ली की पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ना तो कोई ये शार्प शूटर है और ना कोई हिटमैन है। वो समर ग्रोवर के दिमाग का फितूर था। ऐसी मनगणत कहानी बनाने के लिए और हमारे चैनल को बदनाम करने के लिए हमने समर ग्रोवर को इस चैनल से निकाल दिया। सो, अपने साथ आज शाम गुजारने का मौका दे रहे हो, जान सकती हो ऐसा क्या हो गया है आज? हाना, हर बात पे ताना मारती रहती हो। हाँ, मैंने पल्स छोड़ दिया। क्या? हाँ, छोड़ दिया क्योंकि मैंने गुप्ता जी का दिल दुखा दिया। यू नो, जिस शूटर का इंटरव्यू लिया था मैंने, उसने गुप्ता के दोस्त शुक्ला को मारा था। और बाय द वे, अशोक मेहरा ने भी इस कहानी को ग्रीन सिग्नल दी थी। बड़े जोश में था, कह रहा था ये करो वो करो, कूल प्रोमो बनाओ, समर की मेहनत। शिट यार, जैसे ही उसने देखा कि बात बिगड़ रही है, टाई सीधी करके खड़ा हो गया, जी गुप्ता जी करने लगा। आज तक एक भी एडिटर इंचार्ज ने मेरे विजन, कॉन्ट्रीब्यूशन और कमिटमेंट को अहमियत नहीं दी, नॉट वन। सब लोग सिर्फ मुझे बड़ी बड़ी बातें देते रहे, बड़े ख्वाब दिए, कभी कभार मेरे काम के लिए मुझे शाबाशी दी, लेकिन खुद अपने लिए बड़ी गाड़ियां, एक्सपेंसिव क्लब की मेंबरशिप सब लेते रहे मुझे। तुमने कभी अशोक मेरा का घर देखा है? इट्स अ बिग हाउस, माय हाउस। सैम, तुम्हें भी कार, घर, ये सब कुछ मिल सकता है, मगर तुम एक जगह टिक कर रहो तब ना। कभी भी हम ना किराया दे पाते हैं, ना क्रेडिट कार्ड बिल्स, ना फोन बिल्स। हम दो बार अपनी शादी टाल चुके हैं। That is not fair. मैंने कभी हमारी शादी नहीं टाली। टाला है तो तुम्हारे फादर ने। He is the one who's always said, marry a man with class, not some TV performer. Sorry यार, मैं कोई टीवी परफॉर्मर नहीं हूँ। टेलीविजन पे जोक्स नहीं मारता हूँ मैं। I'm a serious investigative journalist. Oh my God, तुम्हारे नाक से तो खून बह रहा है। फिर से नींद की गोलियां लेने लगे हो ना तुम? कभी कभी। हेलो, आई कांट हियर यू। हेलो, हेलो, आर यू ओके? हाँ, कौन है? पता नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। रीटा या समबडी? हेलो, हाँ, इज दैट मिस्टर ग्रोवर? या, हू स्पीकिंग? हाय, माय नेम इज लीसा कपूर और मैं प्रेजिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स हूँ एक काफी बड़ी मीडिया कंपनी में। हाँ मिस्टर ग्रोवर, मैं आपकी रिपोर्टिंग स्टाइल को काफी पसंद करती हूँ। पता नहीं इस वक्त तारीफ इतनी अच्छी क्यों लग रही है। मुझे अपने सोर्सेज से पता चला है कि आपको अपने चैनल से मैंने रिजाइन किया था। मेरा भी यही मानना है। वेल, आवर चैनल्स इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग अ मैन फॉर द टॉप जॉब। आपके चैनल का नाम क्या है? अगर हम मिल सके ओवर अ कप ऑफ कॉफी तो शायद हमारी तलाश खत्म हो जाए। ओके, आप एक चीज कीजिए, आप मुझे कल सुबह फोन कीजिए। मैं आज रात की 2 बजे की फ्लाइट से कुआलालंपुर जा रही हूँ और अगले हफ्ते तक वापस नहीं आ पाऊंगी। You mean you want to meet right now? आप जहाँ हैं मैं वहाँ आ सकती हूँ। कल सुबह नहीं मिल सकते? Mr. Grover, I'm talking about a top job. Top job as in? Editor in chief. कौन सा चैनल बताया आपने? नाम क्या है आपके चैनल का?
सिर्फ 5 मिनट और फिर फैसला आपका। ठीक है, कहाँ मिलना है? मैंने कहा ना, जहाँ आप हैं। एक चीज करते हैं, क्राउन प्लाजा में मिलते हैं। परफेक्ट। ऑलराइट। नमस्ते सर। मिस्टर ग्रोवर, लीजा कपूर। हाय लीजा। वाओ, तो इस वक्त मैं समर ग्रोवर के साथ हूँ। यकीन नहीं हो रहा मुझे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी सारी स्टोरीज ट्रैक करती आ रही हूँ मैं। अब तो बताइए, कौन से चैनल के लिए काम करती हैं आप? क्राइम 24। यस यस आई नो, सुब्रतो के साथ जो हुआ उसका बहुत अफसोस है हम सबको। एवर सिंस अपने बच्चों के कस्टडी का केस हारने के बाद वो बहुत ही परेशान था। रॉजर ने सुहासिनी को काफी हैवी कॉम्पेंसेशन दी है। रॉजर? रॉजर खन्ना, माय बॉस। रॉजर खन्ना इस पे कैसे इन्वॉल्वड है? जैसे मैंने कहा, वो मेरे बॉस हैं एंड ही आल्सो ओन्स क्राइम 24। कुछ साल पहले मैंने ये अफवाहें सुनी थी कि रॉजर किसी रशियन आर्म्स डील में इन्वॉल्वड था। वेल, जैसे आपने खुद ही कहा, वो अफवाहें थी। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, रॉजर वाज फ्रेम्ड। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं इस वक्त कुछ ऑफर्स कंसिडर कर रहा हूँ। And if I'm allowed to ask, किस तरह के offers? Associate EP, मेरा खुद का एक शो। मैं सिर्फ एक शो की बात नहीं कर रही हूँ। I'm talking about an entire channel here. फिलहाल तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही क्यों? आप इसलिए क्योंकि जब आप नए आए थे तो सबको आपसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी, पर अफसोस उसके पीछे कुछ ऐसी वजह थी जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं था। मिस लीजा, मैं समझ सकती हूँ, आप सेंसरशिप के शिकार हैं। एडिटोरियल कंट्रोल आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके साथ कॉर्पोरेट गेम्स खेली जा रही हैं, जैसे कि एक शीशे की दीवार के पीछे आपको कैद करके रखा हुआ है, गैग्ड, केज्ड एंड बाउंड। समर, मैं आपको आपकी प्रोफेशनल आजादी की चाबी ऑफर कर रही हूँ। समर, रॉजर भी उसी तरह की न्यूज में यकीन करता है जिस तरह की न्यूज में आप यकीन करते हैं, रियल न्यूज। मिस लीजा, शुरुआत में हर चैनल में मुझे कुछ ऐसे ही सुनने को मिलता है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपका ऑफर कंसिडर नहीं कर पाऊंगा। जस्ट एज अ पीस ऑफ एडवाइस, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे ऑफर को ठुकरा रहे हैं जो जिंदगी में शायद कभी कभी ही मिलता है। उन लोगों को कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तलाश में होते हैं। मैं अपनी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहता हूँ मिस लीजा। समर, हम सिर्फ सच कहना चाहते हैं और हम सच कहने से डरते नहीं हैं। थैंक्स बट नो थैंक्स। Thanks for the drink. You're welcome. Good night. Good night. वो वाकई आर्म्स डीलर है। मैंने इसे आर्ट गैलरीज में, एग्जीबिशंस में देखा है। He's always the lord of security. रॉजर अपने चैनल क्राइम 24 की लॉन्च पर एक हॉट एयर बलून से 3 बिकनी पहनी हुई औरतों के साथ लैंड हुआ था। कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए सचमुच किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसने कहा था कि 6 महीने के बाद उसका चैनल नंबर 1 होगा। अब कौन से नंबर पे है, गॉड नोस। Gagged, caged, and bound. Gagged, caged, and bound.
मिस्टर ग्रोवर, गुड मॉर्निंग। लीजा, आपका ऑफर अभी भी ओपन है? ऑफर नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस्टर ग्रोवर। कॉल मी सैम। ऑलराइट, क्या आपके पास वैलिड पासपोर्ट है सैम? या। And it looked beautiful in the house. It's very different. Excuse me? Anything else we've got in the house. Yeah, absolutely, yeah. Hello? Hello? Haan. Suno, main Kuala Lumpur ja raha hu. You're joking. रोजर यहाँ क्या कर रहा है? सॉरी, रोजर कुआलालंपुर में क्या कर रहा है? लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। गुड, फियर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। सुब्रतो की जगह को लेकर वरिड तो नहीं हो? मेरा मतलब कोई वहम, कोई सुपरस्टिशन। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। गुड, वेरी गुड। अंधविश्वास में विश्वास कमजोर लोग करते हैं। तुम्हारी लाइफ का एम क्या है? सक्सेसफुल होना। सक्सेसफुल तो एक प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है और एक क्रिमिनल भी। मकसद होना चाहिए लाइफ का कि याद रखे दुनिया, आज की दुनिया में जो बुरा है वही अच्छा है। बैड न्यूज इज गुड न्यूज। 80% से ज्यादा लोग सितार वादन नहीं, ट्रबल ट्रिपल मर्डर की न्यूज, रेप क्राइम की न्यूज देखना चाहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसी स्टोरीज उन्हें एक्साइट करती है, उनके रगों में सनसनी पैदा करती है। और मैं चाहता हूं कि ये 80% से ज्यादा लोग सिर्फ मेरे चैनल को देखें। हम दुनिया को वो दिखाए जो वो देखना चाहती है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कोशिश करूंगा, मतलब यकीन के साथ नहीं कह सकते। क्या तुम अपने आप पर यकीन करते हो? मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए मिस्टर सोहेल गलाजारी। या तो मैं शराफत का रास्ता चुनूंगा या फिर बैकडोर से आऊंगा। मुस्कुराते हुए हाथ मिलाकर बिजनेस हुआ तो आपका मैनेजरियल कंट्रोल बना रहेगा। थैंक यू। और अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना तो फिर आपके पास चुनने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ट्यूजडे नहीं, मंडे। समर,
या तो लीड करो या रास्ते से हट जाओ, राइट? लेकिन ये वार्निंग नहीं है, राइट? नो, मैं वार्निंग में बिलीव नहीं करता. यू नो समर, कोई भी सोसाइटी क्राइम और क्रिमिनल्स के बगैर अधूरी है. इसीलिए सोसाइटी क्राइम के लिए माहौल बनाती है और क्रिमिनल्स उसे अंजाम देते हैं. और मैं उसे ब्रॉडकास्ट करता हूं, दुनिया को दिखाता हूं कि देखो, डरो, डरो और देखो. मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से की. जिस जीरो से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, उसी जीरो को मैं अपने बैंक अकाउंट में ऐड करता गया. और आज सब कुछ तुम्हारे सामने है. तुम बताओ, तुम ये क्राइम रिपोर्टिंग की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए? जब मैं 4 साल का था, मेरी माँ मेरे बाप को छोड़ के चली गई, और मुझे भी. मेरे बाप तो शराबी थे, तो उन्हें छोड़ने की वजह समझ में आती है, लेकिन व्हाई शी लीव मी? इसी वजह को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सेशन में बदल गई. और सच सामने आया? हर सच कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाता है. Cheers. रॉजर तो रावण की तरह है. मतलब? मतलब कि 10 चेहरे हैं उसके. कब से हो तुम रॉजर के साथ? लगभग 4 साल से. वॉर्टन में मेरा सिलेक्शन किया था. वॉर्टन? कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था मैंने. जगी है क्यों आंखों को भी कुछ हुआ, जागी जागी रहती है कहां नींद गई है, क्या होने लगा है तू पता. तेरे लबों पे है मिली मेरे लबों को जिंदगी, तेरे बिना अब सांस लूं मेरे लिए मुमकिन नहीं. महसूस ये होता है तू मेरे लिए है लाजमी, साया तेरा अब छोड़ कर लम्हे चले मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं. कभी ना हो दिल चाहे यही तो, धड़कन तेरे बिन है कहां. मेरी नजर कहने लगी तू सामने हो हर घड़ी, बस एक तेरे चेहरे बिना दुनिया मेरी मुमकिन नहीं,
पाया तुझे तो है लगा पूरी हुई कोई कमी, तुझसे जुदा मैं अब रहूं ख्वाबों में भी मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। सॉरी लीजा, आई कांट, मैं एक रिलेशनशिप में हूं, सॉरी। रिलेशनशिप्स टीवी स्क्रीन की इमेजेस की तरह होती है समर, वो इमेजेस बदलती हैं और तभी इंटरेस्टिंग लगती है और तभी एक स्टोरी बनती है। रिलेशनशिप्स को भी बदलना चाहिए और चेंज ही आखिरी सच है। मैं रिश्तों को बदल कर उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं बनाता और रिश्तों को स्टोरी बनाने में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुड नाइट। $1.5 crore annual remuneration with 15% increase every year plus performance related perks, stock options, Silver Heights में company की car, क्यों? मतलब? मेरा मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं सब deserve नहीं करता हूँ, इस लायक नहीं हूँ? Sam, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। हाँ ना, तुम्हारा मतलब एकदम साफ सुनाई भी दे रहा है और समझ भी आ रहा है। Okay, I'm sorry. You know, I'm just being my cynical self. I'm really happy for you, Sam. अपने डैड से कह दो कि अब समर सिर्फ न्यूज़ बनाएगा नहीं, न्यूज़ बनेगा भी। और अपने बैग्स पैक कर लो, चलो। क्यों? हम कहाँ जा रहे? हॉलिडे। Two tickets to Goa. Oh my God. Thank you. कभी हुआ करती थी दिल से मेरी दोस्ती, पहले कभी रहा करता था ये दिल मेरे पास ही। पहले कभी हुआ करती थी दिल से मेरी दोस्ती, पहले कभी रहा करता था ये दिल मेरे पास ही। फिर हुआ ऐसे जाने क्या मुझको हुई ना खबर, मेरा सब कुछ ले गया मुझसे बचा के नजर। कहने को है मेरा पर मेरी सुनता नहीं, कहीं ये तेरे दिल से वो छुपके मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं। कहीं ये तेरे दिल से वो छुपके मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं। कहीं ये तेरे दिल से छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से इस तरह मिलता है जैसे कोई अजनबी, और मेरी इस हालत पे खाता तरस भी नहीं। कुछ इस तरह मिलता है जैसे कोई अजनबी, और मेरी इस हालत पे खाता तरस भी नहीं। जाने किसके रंग में खुद
इसके राज है मेरे लिए राज ही। कहीं ये तेरे दिल से तो छुपके मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं। कहीं ये तेरे दिल से तो छुपके मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं। फांसा नहीं था पाता पर घर था पाता बाबा बाबा देखा सा। खुश होना सैम। तुम्हें कैसे पता? जानती हो तुम्हें। अच्छा जानती हो ना? रॉजर का मानना है कि 80% से ज्यादा लोग क्राइम की न्यूज देखना चाहते हैं, शॉक चाहते हैं, सेंसेशन चाहते हैं। मैं भी यही मानता हूं। हम डेली 12 घंटे का क्राइम कैप्सूल बनाएंगे। सुबह की शुरुआत हमारे शो रेड डॉन के साथ होगी। इसमें हम पिछली रात के क्राइम्स दिखाएंगे। उसके बाद 2 घंटे का स्पेशल शो होगा किलिंग टाइम। इसमें हम 12 बजे से पहली हुई ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे। दोपहर की शुरुआत होगी हमारे शो एम फॉर मर्डर के साथ। पूरे देश में हो रहे क्राइम्स का आईना होगा ये शो। उसके बाद सड़कों पर हो रही क्राइम्स पर एक स्पेशल शो, वारदात की जांच पड़ताल फाइनल कट, एंड देन फाइनली मेरा फ्लैगशिप शो थर्ड आई। हमें बड़े क्राइम्स दिखाने हैं, वो भी बड़े क्लोजअप में। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारा एक बहुत बड़ा क्लोजअप होगा स्क्रीन पर डेड। लाइट्स, या समर, कोई भी न्यूज बड़ी ब्रेकिंग और इफेक्टिव तभी हो सकती है जब उसे सबसे पहले दिखाया जाए। तो सवाल यह है कि किसी भी न्यूज को हम सबसे पहले कैसे दिखाएं? कॉन्टैक्ट्स, विश्वास सूत्र, पुलिस के मीडिया रिलेशंस ऑफिस से, और कुछ रिलायबल सोर्सेज जो सबसे पहले खबरें मुझे देते हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? और वैसे भी मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान की। चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं। आज की दौड़ में सबसे रिलायबल सोर्स है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सबकी हेल्प करती है, पुलिस की भी, क्रिमिनल्स की भी, और हमारे जैसे हिस्ट्री क्रिएट करने वालों की भी। कंट्री के हर पुलिस स्टेशन में मोबाइल हेल्पलाइन है, और हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों की मदद से मैंने एक छोटा सा सिस्टम सेटअप किया है। लेकिन ये तो फोन टैपिंग है, इट्स इलीगल। जो कुछ भी इलीगल है सब कुछ होता है इस दुनिया में। तुम्हारा मोबाइल फोन दिखाना। वाओ, गुड वन। क्या तुमने इसे किसी शोरूम से लिया है? तो इसका मतलब ये भी इलीगल है। समर, सही या गलत कुछ भी नहीं होता, जो हमारी सोच है ना वो उसे ऐसा बनाती है। तो हम यहां से पुलिस लैंडलाइंस को भी टैप कर सकते हैं? वी यूज एनकोर सीआरसी,
जो एक सिंपल सा प्रोग्राम है, विंडोज के जरिए चलता है। 44 सिटीज के सारे पुलिस ऑफिसर्स, उनकी आवाजें, उनके राज और बहुत कुछ। इसका मतलब है हम हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले दिखाएंगे। The other channels don't stand a chance, they'll be wiped out. You're talking about 80% viewership? That's a cakewalk. We'll get 100%. सब लोगों को न्यूज पहले दिखाने की जल्दी रहती है ना। Now we'll show them. मैं चाहता हूं कि मेरा ये चैनल नंबर वन चैनल बने, किसी भी कीमत पर। और मैं ये सब कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा। पैसे कमाने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। मैं कुछ लोगों को सबक सिखाना चाहता हूं। We'll blow them away. Hello, I'm Cujo, Crime 24 का हेड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। आपके बारे में सुना कम है लेकिन देखा बहुत है आपको। लेकिन आज जब देखा तो ये देखा कि जो सुना था बिल्कुल सही सुना था। द रियल रीजन दैट आई एम हियर। फोन। सी यू, बाय बाय। We'll do that post break. Okay, ready to go? 3, 2, 1. नमस्कार, क्राइम 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समर ग्रोवर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। हम लेकर आए हैं क्राइम की दुनिया के पूरे दिन की पूरी तस्वीर। सबसे पहले देखेंगे 3 मेट्रोज में क्राइम का हाल। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे तेज तरार होशियार क्राइम रिपोर्टर्स, दिल्ली से मधुबिश, कोलकाता से अनिर्बन चौधरी और मुंबई से राधा सकलानी। गुड इवनिंग समर। गुड इवनिंग समर। गुड इवनिंग। पहले सबसे पहले आपसे जानते हैं मधु जी, कैसा रहा आपका दिल्ली का दिन? आग सुबह 8 बजे लगी थी और आग की विकरालता इस बात से लगाई जा सकती है कि आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। दिल्ली फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां अब तक आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आइए हम चलते हैं मुंबई। मौका वारदात पर हमारे क्राइम रिपोर्टर राधा मौजूद है। मिस्टर शर्मा अपने बिजनेस टूर की वजह से चले गए कहां, लेकिन पीछे क्या हुआ? हत्या उनकी बीवी और उनके दोनों बच्चों की। आइए एक नजर डालते हैं अब दिल्ली की खबरों की तरफ। दोनों बच्चों का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। उस लड़की ने 25वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। लकड़ी के गोदाम में रखे हुए इन शवों के मुंह में कपड़े ढूंढ दिए गए। इसे इत्तेफाक कहे या ईश्वर का चमत्कार, लेकिन हमारी टीम की चकुन्नी नजर से नोएडा के एमएलए रघुनाथ यादव के हत्यारे बच नहीं पाए। मैंने देखा वहीं पे गाड़ी खड़ी थी, वो लोग आए, निकले, बस छूट के और चले गए उधर से। पुलिस तो काफी लेट आई है, करीब 15 मिनट पुलिस आई वहाँ पे। बैंगलोर के स्वामी फैमिली ट्रिपल मर्डर केस में क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस अंधेरे में तीर छोड़ रही है? कौन बोल रहा है ये, हम अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं? 15 स्टूडेंट्स की मौत हो गई और 50 स्टूडेंट्स घायल है जो इस अस्पताल में दाखिल है। कल शाम को हिंदू और मुसलमान के बीच जो झगड़ा हुआ था उसमें 2 व्यक्ति घायल और 1 की मृत्यु। आदित्य भल्ला का नाम पत्रकारिता की दुनिया में बेबाक टिप्पणी करने वालों में शुमार था। उन्होंने सच का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा। एक सेकंड रुको, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो क्राइम 24 के अलावा और किसी भी चैनल के पास नहीं है। इस हत्या ने लाश के 300 टुकड़े, लड़की का गला रेत दिया, जिंदा जला दिया और फांसी लगा ली 14 साल की बच्ची। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? डेफिनेटली क्राइम 24 सबसे पहले है। सबसे पहले अब तक देता आया है, देता आएगा। क्राइम 24 समाज के दंगे सच को उजागर करेगा। क्राइम 24 दंगे की चोट पर खबर किसी भी कीमत पर। Your channel has violated BRAI rule for subject matter treatment rule number 10, 11, 14, 16, wagaira, 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 wagaira. Signed, Mr. V.N. Dikshit, Secretary, Ministry. ये लोग हमें शो कॉज नोटिस देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम हमारा ब्रॉडकास्ट सस्पेंड कर दें। V.N. Dikshit सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में पकड़ा जा चुका है ना? You are right. Cujo. Sir. इस V.N. Dikshit मैं जाऊंगी। आइए आइए। गिनना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं? अरे अब कौन आ गया? रिलैक्स मिस्टर दीक्षित, मैं देखती हूँ। रूम सर्विस।
Nice, huh? Nice bed, huh? Yeah, very nice. Very nice bed. ब्रेक के बाद हम वापस हैं आपके सामने अपराध की दुनिया की ताजा जानकारी देने से पहले एक खुशखबरी। ब्राय के स्पेशल कमेटी मेंबर बीएन दीक्षित ने क्राइम 24 की पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करते हुए कवरेज का ऐसा ही स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए इनकरेज किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आपके अपने चैनल क्राइम 24 को सबसे तेज एक्सक्लूसिव पाथ ब्रेकिंग जिम्मेदार और निष्पक्ष कवरेज के लिए बधाई दी है। पिछले 15 सालों में इतनी एक्यूरेट और इतनी फास्ट रिपोर्टिंग नहीं देखी गई। कैसे? उन्हें हर क्राइम के बारे में पुलिस से पहले पता चल जाता है। क्राइम 24 ने पूरी रिपोर्टिंग की दिशा और दशा पूरी तरह बदल दी है। समर का इतना बड़ा स्टार होना इस बात का सबूत है कि उसने रिपोर्टिंग में रिवॉल्यूशन कर दिया है। एक्शन। न्यू न्यूट्रिनो द ब्रेकफास्ट ऑफ विनर्स। सर मोर फीलिंग के साथ न्यू न्यूट्रिनो। सर सर टेक टू। न्यू न्यूट्रिनो द ब्रेकफास्ट ऑफ विनर्स। सुपर्ब। कहा हो तुम सैम? हाँ मैं जरा क्राइम 24 की सक्सेस पार्टी से होके आता हूँ। क्यों? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या सरप्राइज? बता दिया तो सरप्राइज थोड़ी रहेगा। ठीक है बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। ओके बाय स्वीटर लव यू। नजदीकियां काफी बढ़ गई है। हाँ लीजा है ना ये? आना जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। It's all nonsense. What do you think what it is? सब कुछ दिख रहा है सैम, साफ साफ। आना तुम तो जानती हो ना नाइट क्लब में म्यूजिक कितना लाउड होता है। मैं उसके कानों में कुछ कह रहा था। मेरे कानों में तो कभी ऐसे नहीं बोलते। आखिर ऐसा है क्या इसमें? इसकी क्या चीज फैसिनेट कर रही है तुम्हें? I mean, look at her all over you with polished nails and plastic lips. Ahana, please stop it, yeah. Ahana.
Hi, is this Lisa Kapoor? Yes, this is Lisa. Mera naam Ahana Sharma hai. Oh, hi Ahana. I'm really sorry, maine tumhe pehchana nahi. Hum kahin milkar baat kar sakte hain? Are, tum hamare office kyun nahi aa jati? Isi bahane tum hamara office bhi dekh logi? Nahi. Nahi, hum kahin aur milte hain, please. Sure. Okay. Next page, initials. Sorry. This page. Lisa? Rikin यहाँ पे काम करता था? कौन? Rikin Chawla, इस टेप में. कैसा टेप? पता नहीं, Rikin और सुब्रतो कुछ नक्सल लोगों के साथ किसी जंगल में है इस टेप में. Oh, वो Rikin of course. Rikin और मैं कुछ साल पहले एक मीडिया वर्कशॉप में थे. I mean, Rikin यहाँ काम करता था. I don't know. अचानक वो गायब हो गया. अपनी पेमेंट भी नहीं ली उसने. It's really weird. ऐसा ही है Rikin. थोड़ा संकी है. कभी भी कुछ भी कर सकता है. Alright. Grover साहब, ये टेप आपको मिल गई, अच्छा हुआ. लाइए इसको सही जगह पे रख देता हूँ. Thank you. Anyways, बहुत दिनों से मिला नहीं है. I'll contact him. Yep. Hi, Lisa Kapoor. मुझे नहीं लगता कि जो औरत एक रात के रोमांस और हर हफ्ते बदलने वाले अफेयर्स पे बिलीव करती है, वो किसी रिश्ते का सही मतलब समझती होगी. I'm sorry. क्या मतलब? अनजान बनने की हर कोशिश आसानी से समझ में आती है मिस कपूर. तुम अपने रातों के लिए किसी और को क्यों नहीं चुनती? Oh. क्या तुम मुझ पे समर को सिड्यूस करने का इल्जाम लगा रही हो? वेल मिस शर्मा, मैं आपको इतना बता दूं कि दूसरों पे इल्जाम लगाने से बेहतर होगा कि आप अपने समर पे अपनी लगाम को खींच के रखें. अगर तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, नॉट माइन. गेट इट? Hi, समर. Rikin, तू कैसा है तू यार? उन्होंने तुम्हें भी पेंटहाउस दिया है? हाँ. BMW भी? या गोल्ड कार्ड भी दिया होगा ना? सुब्रतो के साथ क्या हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समर. सुब्रतो के साथ क्या हुआ? उसने सुब्रतो को मार डाला. किसने मार डाला? उस बास्टर्ड एक नदी में डुबाकर ताकि मौत एक एक्सीडेंट लगे. सेल्यूलर स्कैनर इंस्टॉल करने और फोन टैपिंग के अलावा क्राइम 24 सारे चैनलों से बहुत पीछे. ये कैसे हो सकता है यार? क्राइम 24 के पास समर ग्रोवर, इंडिया का नंबर वन क्राइम रिपोर्टर, क्राइम 24 के पास हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो चैनल जीरो है. जो कुछ भी तुमने देखा है ना, वो अल्ट्रा मॉडर्न सेटअप पालिका बाजार में मिलता है, वो भी बहुत सस्ते में. लेकिन जो तू कह रहा है इट्स वेरी फारफेच्ड यार. लाइव न्यूज़ का गेम ओबी वैन से जीता जाता है ना?
हाँ। एनडीटीवी के पास 40 ओबी वैन्स हैं। क्राइम 24 के पास कितनी है? 11। लेकिन तू उसे पूरा यकीन था कि जो और उसके आदमी सबसे पहले रोड एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का मामला, लूटपाट, आगजनी, गोलीबारी, वो सब कुछ बिजनेस में आगे रहने का क्या आइडिया सोचा है ना यार तू और तेरी कॉन्स्पिरेसी थियरीज। तू आ जा ऊपर, चल विस्की पीते, चला जा। तू बिक गया है समर, बिक गया है और उनमें से एक हो गया। तुझे मालूम है तेरे घर, तेरा ऑफिस, तेरी गाड़ी सब टैप्ड है। हो सकता है तू जहां जाता है ना वहां तुझे देखा और सुना जाता है। तू क्या करेगा? What are you going to do, man? अगर जिंदा रहते रहते इसका जवाब मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। Cause you're dead, Sam. We're all dead. Rickon. You're dead, Sam. You're dead. We're all dead, man. Rickon. We're all dead. It's over. Rickon. आहाना कहाँ जा रही हो तुम? मुंबई वापस। आहाना कितनी बार समझाऊं तुम्हें, हाँ कितनी बार कहूं तुम्हें कि मेरे और रीजा के बीच कुछ नहीं हो रहा है। I'll have to. इसीलिए खड़ी रही तुम्हारे साथ हर वक्त, अपनी जिंदगी को ठहर जाने दिया ताकि तुम जिंदगी की रफ्तार में पीछे ना रह जाओ। लेकिन तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? Why don't you believe me, damn it? आहाना आना मेरी बात सुनो, मैं समझ नहीं सकता। I don't know what to say. कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कल शाम को मैं चली जाऊंगी। मैं तो आज ही जाना चाहती थी लेकिन सारी फ्लाइट्स बुक्ड है इसीलिए। आना देखो देखो तुम इस वक्त बहुत अपसेट हो, मैं बहुत परेशान हूँ। ओके लेट्स जस्ट स्लीप ओवर इट, सुबह में उठ के आराम से बात करेंगे। ओके विराट आना। बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक लाश के साथ किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। होटल के मैनेजर से बात करने पर पता चला कि ये आदमी काफी दिनों से इस होटल में गलत नाम बताकर रह रहा था। हमारे करस्पोंडेंट का कहना है
इसके अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन हो सकते हैं। या लीजा, लीजा इस वक्त बिजी हूं, मैं दोबारा फोन करूं? नहीं, मेरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, सो आई विल कॉल यू बैक। बाय। सुब्रतो को मार डाला। किसने मार डाला? उस बास्टर्ड कूजो ने, एक नदी में डुबाकर ताकि मौत एक एक्सीडेंट लगे। सेल्यूलर स्कैनर इंस्टॉल करने और फोन टैपिंग के अलावा क्राइम 24 सारे चैनलों से बहुत पीछे। ये कैसे हो सकता है यार? क्राइम 24 के पास समर ग्रोवर, इंडिया का नंबर 1 क्राइम रिपोर्टर, क्राइम 24 के पास हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो चैनल 0 है। जो कुछ भी तुमने देखा है ना, अल्ट्रा मॉडर्न सेटअप पालिका बाजार में मिलता है। लेकिन जो तू कह रहा है इट्स वेरी फारफेच्ड यार। लाइव न्यूज़ का गेम ओबी वैन से जीता जाता है ना? NDTV के पास 40 ओबी वैन है, क्राइम 24 के पास कितनी है बोल? 11। सुब्रतो कूजो और उसके आदमियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि कूजो और उसके आदमी सबसे पहले न्यूज पाने के लिए मर्डर्स करवा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स करवा रहे हैं, लूटपाट, गोलीबारी, वो सब कुछ जिससे लाइव न्यूज बनती है। लेकिन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, द बस स्टॉप्स, हर जगह कूजो और उसके आदमी मुझे पूरे शहर में तलाश रहे हैं, एक हाथ में मेरी फोटो और एक हाथ में गन लेकर। तू क्या करेगा? What are you gonna do, man? अगर जिंदा रहते रहते इसका जवाब मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। Cause you're dead, Sam. We're all dead. Aha, Mr. Grover. समर कहाँ हैं आप? टेलीकास्ट का टाइम हो रहा है, चलिए आइए। Come on. वो मैं। Come on. क्या होना था, गया और सीधा मैंने हाथ डाल दिया, हरी टी शर्ट में डाला और वो चिल्लाने लगी, विकी छोड़ दे, विकी छोड़ दे। तू साला हाथ ही घुसा सकता है। सुनना, ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े की दबा रहा हूं। अरे सुनना, बाद में पता लगा कि वो कपड़ा ही था। अरे अरे अरे, टुल्ले आ गए, टुल्ले। हैं ए, बहुत नीचे रख, कहां छुपाऊं? नीचे रख कहीं भी यार। एक सेकंड, मैं संभाल लेता हूं। गुड इवनिंग सैम, मैं यहाँ सीधे घटनास्थल से बात कर रही हूँ। ये ब्रेकिंग स्टोरी है, 3 युवकों की बड़ी निर्दयता से हत्या की गई है। ये तीनों अच्छे परिवारों के थे और हिंदू कॉलेज में जाते थे और ये अपनी छुट्टियां मनाने मनाली जा रहे थे। क्राइम 24 में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं क्राइम की दुनिया की पूरी पूरे दिन से अवॉइड कर रहे हो और हमारा बात करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने फोन किया। अच्छा, क्यों? समर, क्योंकि हम जान गए हैं कि तुम जान गए हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि सच एक दिन सामने आ ही जाएगा। ये बिल्कुल तुम्हारी उस हिटमैन की कहानी की तरह है।
थोड़ा सच और ज्यादा झूठ। और इसलिए अपनी कहानी कहने के लिए तुम लोगों ने मुझे चुना हा? सोचा एम्बिशियस हूँ, करप्ट हो जाऊंगा, कुछ कहना चाहता हूँ तो चुप भी हो जाऊंगा, बड़ा बनना चाहता हूँ तो बिक भी जाऊंगा। हा? और जिस हिटमैन स्टोरी के बारे में बात करके तुम अपने क्राइम्स को जस्टिफाई कर रही हो ना, उसका एक एक फ्रेम सच था। शुरू से बता दिया होता मुझे तो मुझे पता होता कि मैं क्राइम रिपोर्टर नहीं क्रिमिनल बनने जा रहा हूँ। ओह फॉर गॉड्स सेक, कितना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है समर। तुम तो जानते भी नहीं हो कि रॉजर ने तुम्हारे लिए क्या क्या प्लान बना के रखे हैं। एन अपार्टमेंट इन सिंगापुर, अ वेकेशन होम इन लंकावी, अ फुल टाइम डायरेक्टरशिप। मैंने भी रॉजर के लिए बहुत कुछ सोच लिया लीजा। फुल टाइम टॉर्चर, स्पेशल सेल इन तिहार जेल एंड अ वेकेशन होम इन हेल। समर, समर प्लीज अपनी ये घिसी पिटी बातें बंद करो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं वादा करती हूँ कि आना को कुछ नहीं होगा। एक बार हाँ कह दो, I can call it off right now। ताकि तुम लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बेगुनाह लोगों की जान लेते रहो। For God's sake, don't make me do this, Summer, don't make me do this। Sam. आहना, घर से निकलो अभी इसी वक्त। I am leaving, Sam. Get out of the house. Chill, I'm leaving. मैं जा रही हूँ। Hey, Summer. रॉजर, आहना को जाने दो। उसका ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा भी आना से कोई लेना देना नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस लेवल पे उतरोगे। सोचो मत समर, सिर्फ अपने आसपास देखो, सब कुछ रिक्त है। नेता, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, क्रिकेट मैच, सब कुछ। सिर्फ अपने ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में, सब जगह कोई ना कोई पेच है समर। रॉजर, आना को जाने दो, तुम्हारा झगड़ा मुझसे। समर, आना को कुछ नहीं होगा, प्लीज बिलीव मी, इट्स अ प्रॉमिस। अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि पूरी तरह से कोऑपरेट करोगे तो। क्या तुम चाहते हो कि आना की जान उन लोगों के लिए चले जाए जिन लोगों को तुम जानते तक नहीं हो? ये हिस्ट्री बनाने का वक्त है समर। वी कैन स्ट्राइक गोल्ड टुगेदर। यू आर द फेस ऑफ द चैनल। प्लीज डोंट अपसेट मी समर। रॉजर, तुम्हें क्या लगता है कि पिता बेवकूफ हूं? आई नो यू आर बाइंग टाइम रॉजर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेलिंग इट। और एक और बात सुन लो, अब वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद है तुमने उस बॉर्डर ऑफिसर से क्या कहा था? डोंट ब्लेम मी, ब्लेम योरसेल्फ बिकॉज़ यू क्रिएटेड मी। आगे देखो क्या होता है। एंड नाउ आई विल डिस्ट्रॉय यू। बाय रॉजर। समर गेम खेलने के मूड में आ गया है और उसके साथ खेलने के लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही सबर। अपने आदमियों को बोल दूं? देख लो, सोच भी लो। अगर तुम उसका मूड चेंज कर सकती हो तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। Shit! I hope you will enjoy this hotel, sir. हाँ। You need some girls, sir? I mean, लड़कियाँ चाहिए sir? नहीं। Boys, लड़के? नहीं। You need some drugs for relaxing? No, no. Okay. शर्मा का
कल रात अपहरण कर लिया गया। इस घटना के बाद से समर भी लापता हैं और उनसे संपर्क करने की हमारी हर कोशिश अब तक कामयाब नहीं रही है। हेलो, यहाँ टीवी में जो एक तस्वीर दिखाई जा रही है वो शख्स हमारे ही होटल में मौजूद है। रूम नंबर 7, जुबली होटल पहाड़गंज। केब, तो तेरे को मारने के लिए भेजा मेरे को, वो तो अच्छा हो गया मैं था, किसी और को भेजते तो? ज्यादा खुश होने की बात तो है नहीं, अगर मैं नहीं मारूंगा तो वो लोग तो मारेंगे। हर मोड़, हर नुक्कड़, हर गली में कोई ना कोई चिड़ीमार, तड़ीपार, चोरू चक्का कट्टा लेकर तेरे को ढूंढ रहा है। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ठीक ठाक पैसे दूंगा, अच्छे पैसे दूंगा। अरे पैसे लेने के लिए जिंदा बचूंगा तब ना देगा? तू नहीं जानता बाबू किसके साथ पंगा लिया तूने। मैं जानता हूं, रॉजर खन्ना बहुत ही पावरफुल आदमी है, सब लोग उसकी मुट्ठी में हैं। अरे यार देखो, मैंने तुम्हारी मदद की ना, अब मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। मैंने बोला था मदद करने को? तू अच्छा इंसान था, तूने की। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं भाई, मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा ना कि मैं पैसे दूंगा तुमको। अरे पैसे पैसे पैसे, बहुत पैसे तेरे पास? मेरे पास भी पैसे हैं, ठीक चलता काम अपना। ये वाला रख अपने पैसे अपने पास, चला मैं। अरे सच सच क्यों नहीं कहते हो कि तुम डरपोक हो, कायर हो? मैं डरपोक नहीं हूं, कायर भी नहीं हूं, समझा? एक्टिंग कर रहा हूं मैं। हाँ झूठा बोल ले, जैसे तेरे को बोला था क्या वो वीएम पांडे को नहीं, वीएम पांडे ने क्या नाम था उसका, वीएम शुक्ला को मारा था मैंने। जोक कहता हो जोक? हाँ इसे कहते हैं तू जोक? हाँ तुम्हारे जोक की वजह से आज मैं ये हालत में हूं, यू नो दैट? सारी प्रॉब्लम तुम्हारे झूठ की वजह से हुई है, डू यू नो दैट? ठंड रखो ए, ना तुमने वो झूठ बोला होता और ना मैं आज यहां पे। मारा गया ये, बेबी। हेलो, गो टाटा। गॉड, मैं एक रात के रोमांस और हर हफ्ते बदलने वाले रिश्तों में विश्वास नहीं करती, वरना ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जो तुम्हें इस हाल में पहुंचा दे। हाँ खैर छोड़ो, मैं इस वक्त सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम हमारी नहीं अपनी हेल्प करो। मैं तुम्हारी जिंदगी की बात कर रही हूं, समझी? जो चाह सकती है। जारी की है। इस टेप में आहना शर्मा को उनके कब्जे में दिखाया गया है।
अगर 12 घंटे के अंदर हमारी मांगी हुई रकम। कामयानी, मुझे ये पूरा मामला कुछ अलग लग रहा है। किडनैपर्स हो, नैक्सलाइट्स हो, टेररिस्ट हो, सारे मीडिया अटेंशन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें देखें और सुने। फिर इन लोगों ने ये टेप हमें क्यों नहीं भेजा, किसी और चैनल को क्यों नहीं भेजा? उसकी क्या वजह हो सकती है सर? शायद इसीलिए कि जो दिख रहा है वो किसी खास आदमी को दिखाया जा रहा है। Maybe Sam. सर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस अपहरण में समर ग्रोवर भी इन्वॉल्व हो सकता है? देखिए, दावे के साथ ये बात कहना अभी शायद ठीक नहीं होगा। समर, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त मुझे सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। I hope you're really fine. मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा, मैंने तुमसे कहा था दुनिया में एक अनाथ ही एक अनाथ के काम आ सकता है। प्लीज कॉल मी समर, आई एम वेटिंग फॉर यू। दिल्ली पुलिस का मानना है कि समर ग्रोवर इस अपहरण में शामिल हो सकता है। पुलिस का कहना है वजह हो सकती है जल्द पैसा कमाने की चाहत, पर्सनल प्रॉब्लम्स, जुनून में किए जाने वाले क्राइम, जानलेवा इश्क। आजकल तो ऐसे मामले आम हो गए हैं। प्रेमी जरा से गलत फहमी में अपनी प्रेमिका की जान ले लेता है। इस दौरान पुलिस समर के घर की तलाशी ले रही है। क्या कहा था मैंने? आ गया डॉगी साला। कोई ना कहके देख लेंगे साला। प्रिंस कहाँ है? अगर तुमको मिल जाएगा गाली वाली मैन तो फिर तुम आकर मुझे बताना, ठीक है? ओये कुजो पाजी, सत श्री अकाल। इस चूहर के पिल्ले, कहाँ है तू हरामी? 1000 फोन लगा दिए तुझे। ओए भूतनी के कुजो, तमीज से बात क्या कर तू मेरे साथ? एक तो तेरे गंदे काम करूं, उसके ऊपर तेरी गंदी गालियां भी खाऊं। भौंकना बंद कर, बता काम हुआ कि नहीं? हो गया यार। अरे यार, किसको मारने भेज दिया तूने? कद्दू निकला साला, बंदूक देखते ही मर गया। अब पाजी उसी को लिटा रहा था कब्र में, इसलिए तेरा फोन नहीं ले सका, समझा कर। सुबह आके खुद देख लेना कैसे शांति के साथ लेटी हुई उसकी डेड बॉडी। सुबह का मुहूर्त निकाला है क्या? अभी दिखाओ सुअर की लाश मुझे। अभी दिखाऊं और अंदर हो जाऊं? हां, सारे तरफ पुलिस के कुत्ते लगे हुए, समझा कुत्ते? अबे हरामी तेरी मैं। अच्छा सॉरी यार। समझा कर यार कुछ। गाड़ी के डिक्के में बंदूक है, सीट कवर पे ब्लड के निशान है। 2 मिनट में कंगन पहना देंगे लोहे के वो लोग। फिर तोड़ा काम कौन करेगा कुछ महाराज? समझा कर, सुबह आना देख लेना। हां चल चल ठीक है। और हां याद रख, अकेले आना लाश देखने, भीड़ भाड़ पसंद नहीं मेरे को। हां ठीक है, चला जा। एक बात बताओ, कुजो और उसके आदमियों ने पूरे देश में ये मर्डर्स और ये हादसे कैसे करवाए? राजा चौधरी का नाम सुना है? राजा चौधरी नहीं, वड्डा क्राइम रिपोर्टर बनने चला यार तू। जगह का नाम सुना है कि नहीं? हाँ सुना है। तो का डॉन है वो, बहुत कुछ करता है। अफीम की स्मगलिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, लड़कियों का रैकेट है उसके पास, नकली दारू बेचता है और क्या क्या बताऊं। आदमी ट्रक भर के रुपया कमा ले, लेकिन इज्जत कमाना आसान नहीं है। ये मैं जान भी गया हूं और समझ भी गया हूं, इसलिए अब मुझे इज्जत कमानी है, नाम कमाना है। मुझे उम्मीद है छोरी तू सारी बात समझ गई होगी। हैं मिस्टर चौधरी, हम पैसे दुबई से भेजेंगे, उसके बाद कुआलालंपुर और हांगकांग में इन्वेस्ट करने के बाद आपके मॉरिशस के अकाउंट में जमा करवा देंगे। सब ठीक है वो तो, कब तक? बस 3 दिन, आखिर हमारा नेटवर्क कब काम आएगा? चौधरी साहब, टेक्नोलॉजी है तो रफ्तार है। बढ़िया है, बढ़िया। रॉजर राजा चौधरी के ब्लैक मनी को व्हाइट बना रहा था और बदले में हम जैसों को काम पे लगा देता है, जो अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को मौत देते हैं, जीने के लिए दूसरों को मारते हैं, और तुम लोगों को देते हैं ब्रेकिंग न्यूज काके। अगर गुनाह कम हो जाए या गुनाह बंद हो जाए, आधे से ज्यादा चैनल बंद हो जाएंगे। सैड स्टोरी है।
ओ रे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया गम दे दिया। ओ रे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया गम दे दिया। मेरी जिंदगी की हर खुशी में शामिल तुम हो, तेरी बंदगी की हर घड़ी में शामिल तुम। मैंने जितने भी दुआएं मांगी अब तक रब से, मेरी उन सभी दुआओं का हासिल तुम। एक मौज हूँ मैं और मेरा साहिल तुम हो, और एक सफर हूँ मैं हूँ मेरी मंजिल तुम। मैंने जितने भी रब से, मेरी उन सभी दुआओं का हासिल तुम। ओ रे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया गम दे दिया। ओ रे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया। खुशनुमा समासम तुम हो, मेरी तृष्ण की कमन चिला सजावन तुम। कब से मुझे तमन्ना है तुमको पाने की, अब छोड़ भी तो मुझको आजमाना तुम। मेरे रास्ते में बादलों का आना तुम हो, मेरी धूप में हो बारिशों का आना तुम। याद करता रहता हूँ मैं दिन में शब में, मेरी याद से कभी न दूर जाना तुम। ओ रे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया गम दे दिया। ओ रे खुदा ये तूने क्या किया, गम दे दिया। ऐसा तो होता ही रहता है, डोंट वरी, ओके? या कुजो ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया? वो चाह रहा है। टू डेड एडिटर्स इन सिक्स मंथ्स, ओफ। हमारी स्टोरी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि समर ने जो किडनैपिंग प्लान की थी वो मिसफायर हो गई, इसीलिए उन्होंने उसे मार दिया। और वो लड़की? पहले कुजो को बॉडी आइडेंटिफाई कर लेने दो। And then just kill her, यार। और हमारी टीआरपी आसमान को छुएगी। Come on now, get going. कुजो पाजी, क्या बॉडी कहाँ है ये बता। हाँ देख ले बॉडी बैक सीट पे। हरामी कतार, क्या मिस्टर ग्रोवर माइक पकड़ने वाले के हाथ में गाना चीने लगती असली है। चला गोली का लाओ, दे दो गोली। चला काके, कम ऑन, कंपनी की तरफ से दिवाली पर नहीं दिला दूंगा, मैंने कहा ना, कम ऑन, गिव इट टू मी। चला गोली, यू वांट शूट मी, गोली चला काके। डोंट वेस्ट माय टाइम मिस्टर ग्रोवर, बी अ मैन। अबे या तो शूट करना है तो करो, वरना वैसे ही मरोगे जैसे तुम्हारा दोस्त रिकिन सुअर की तरह चीखते हुए मरा था। आ! आ!
आना कहाँ है? ग्रैंड सूर्या होटल। इसको लेके निकल काके, जल्दी कर संभाल के, जब रखा काके। प्रिंस चल, अजीब बात है ना, जो आदमी हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करता रहा, जिसके लिए सच से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं हो, उसे एक झूठ ने इस कदर फंसा दिया। शायद इसलिए सैम, क्योंकि लोगों को सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच यह है कि लोग सच से भाग रहे हैं, इग्नोर करना चाहते हैं सच को, क्योंकि झूठ में उन्हें एक सुकून मिलता है। आना, बात सुनो आना, मुझे मुझे कुछ पता नहीं, क्या सच है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं पता मुझे, किस पर यकीन करना चाहिए किस पर नहीं। अब तो मेरे खुद पे क्या करेंगे सैम, कैसे निकलेंगे हम, कैसे बचेंगे? अभी उन्होंने हम पर एक बार हमला किया है, दूसरी बार करेंगे, और शायद रॉजर खन्ना से मुकाबला कैसे कर पाओगे तुम? नहीं कर सकते, इवन यू नो दैट। अब तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी तो नहीं है। आना, मेरे पास एक प्लान है। चौ गई ना, जीत को ही रहा था, जीत को ही गया, कुजो मर गया है और तुम्हारे किराए के कार्टून भी, और आना मेरे पास है और पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। समर, कब तक भागोगे तुम उसके साथ और कहां तक? रॉजर के पास वो सब कुछ है जिसके जरिए वो आज नहीं तो कल तुम्हें, ट्राई एंड अंडरस्टैंड समर, किस वक्त कहां से कौन सी गोली चल जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उतना तो मैं भी जानता हूं कि जब तक मैं भागता रहूंगा तुम और रॉजर चैन से नहीं बैठ पाओगे, तो प्रोफेशनल्स की तरह बात करें। Go ahead, I'm listening. मैं एक अच्छा रिटायरमेंट पैकेज चाहता हूं, बहामास में समंदर के किनारे एक घर या जहां मैं जाऊं, फिर तुम और रॉजर अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। समर, इस बात को तुमने अगर पहले सोच लिया होता तो हमें शायद ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। बोलो कहां मिलना है? नहीं, मैं रॉजर से मिलना चाहता हूं और वो भी बिल्कुल अकेले। और अगर उसे डर लग रहा है तो उसे कह देना कि फियर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ओके। और एक और बात, क्राइम रिपोर्टर था, तुम लोगों ने मुझे क्रिमिनल बना दिया, और मैं भी क्राइम की दुनिया के सारे रूल्स जान गया हूं, और कुछ दोस्त भी बना लिए मैंने जो मेरे इशारे पर किसी को भी कहीं भी मार सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि गलती से भी कोई गलती नहीं होगी। Oh, damn it! Just can't get it right. पता नहीं शॉट को क्या हो गया। जब कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना, तो बैलेंस भी बिगड़ जाता है। सच्चाई है ना, रेडियो के नॉब की तरह होती है कि जिसे जब चाहे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब भी गलतफहमी में हो तुम रॉजर। समर, तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि यहां आते वक्त तुम रिस्क ले रहे हो?
क्या ना कि जो आदमी रिस्क नहीं लेता उसका सब कुछ रिस्की हो जाता है। तेवर अच्छा है, आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जस्टिस, वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी, ये सब मिलाकर एक पैकेट चना भी नहीं खरीद सकते। ओनली मनी कैन बाय एवरीथिंग। लोग पैसे बनाते हैं टूथपेस्ट बनाकर, टेलीविजन सेट्स बनाकर, सेलफोन्स बनाकर, और हम पैसे बनाने के लिए बनाते हैं न्यूज। दैट्स द ओनली डिफरेंस। रॉजर, टूथपेस्ट बनाने वाले और टेलीविजन बनाने वाले बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेते। प्रोग्रेस के लिए पॉपुलेशन का कम होना बहुत जरूरी है। मेरे नजरिए से देखो तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। और मैं अंत चाहता हूं तुम्हारा नहीं, अपनी स्ट्रगल का। जस्ट पे मी एंड आई विल बी गॉन। हाँ, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। कितने चाहिए? 25 करोड़। 25 करोड़, ठीक है। मगर एक बात सच सच बताओ, इतने सारे रुपयों का करोगे क्या? घर की बात तो कर ही चुका हूं मैं। खुद का न्यूज चैनल खोलूंगा, तुम्हारी तरह यहां गोल्फ खेलूंगा और 44 सिटीज की न्यूज सबसे पहले दिखाऊंगा बिना कोई क्राइम किए। ओह रियली? आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हॉस्कास विलेज, आज रात 8 बजे। हाय सैम। हाय। क्या हुआ हाथ को? कुछ नहीं। सिट सिट। गुप्ता नाराज तो नहीं होगा ना? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज व्हाट? टीआरपी। और टीआरपी का बढ़ना कोई चैनल ओनर नापसंद नहीं कर सकता। सो गेट बैक टू योर जॉब। लेट्स रोल। नमस्कार, मुझे अचानक इस चैनल पर देखकर हैरान होंगे आप लोग, लेकिन आज मैं जो स्टोरी लेकर आया हूं इस चैनल पर आप सबके सामने, वो शॉक कर देगी आपको, बेचैन कर देगी। यकीन नहीं होगा आपको कि ऐसा भी हो सकता है। ताज्जुब से आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और सांसें थम जाएंगी। टीवी पर क्राइम रिपोर्टिंग इसी लैंग्वेज में की जाती है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। सच में ऐसा होगा। ये कहानी है कॉर्पोरेट ग्रीड की, लालच की। मीडिया की हिस्ट्री में खूनी पागलपन और क्रूएल्टी की ऐसी मिसाल दूसरी नहीं मिलेगी आपको। इसी कहानी की तुलना हजारों बेगुनाह की जान लेने वाले हिरोशिमा, जलियांवाला बाग या नाजी जंशनहार से की जा सकती है। जी हाँ, आप ये चैनल को नंबर वन बनाने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्राइम 24 के ओनर रॉजर खन्ना ने ऐसा ही कुछ किया। अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने चैनल पर सबसे पहले न्यूज दिखाने के लिए उसने मर्डर्स करवाए, एक्सीडेंट्स करवाए, रेप करवाया, बस्तियां जलाई, दंगे कराए, और ये सब करवाया उसने मशहूर डॉन राजा चौधरी की मदद से। इसलिए उसने राजा चौधरी को दिए कई 100 करोड़ रुपए। बदले में राजा चौधरी ने पूरे देश में फैले हथियारों, लुटेरों और डकैतों के अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया और न्यूज बनाने के लिए ऐसे ऐसे क्राइम करवाए कि रूह कांप उठे। और फिर वहां क्राइम 24 के रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा गया, ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले दिखाने के लिए। यकीन नहीं हो रहा है आपको, लेकिन यही क्राइम 24 का डरा देने वाला नंगा सच है। रोजर, सैम अब नहीं आ रहा। और इन सब में रोजर का साथ देती हैं उसकी सबसे खास लीजा कपूर। क्राइम 24 में काम करने वाले सुब्रतो मुखर्जी और रिकिन चावला दोनों को असलियत पता चल गई थी, उसका मोडस ऑपरेंडी पता चल गया था, इसलिए दोनों को मार डाला गया। मेरे फियांसे को किडनैप कर दिया गया ताकि मैं खामोश रहूं। बाद में मुझे भी मार डालने की प्लानिंग थी। मैंने पूरी डिटेल रिपोर्ट आईएनबी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, पीएमओ और सीबीआई को दी है, सारे फैक्ट्स और सबूत के साथ। मेरे फियांसे आहाना शर्मा के साथ जो हुआ वो सब भी। आहाना ने भी आज शाम अपना बयान स्पेशल सीबीआई टीम के जॉइंट डायरेक्टर के एम मूर्ति को दिया है। आप सोच रहे होंगे मैं सिर्फ इल्जाम लगा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा टेप जो रॉजर खन्ना को पूरी तरह बेनकाब कर देगा। कुछ लोग पैसे बनाने के लिए बनाते हैं टीवी सेट्स, टूथपेस्ट, सेलफोन्स, और हम पैसे बनाने के लिए बनाते हैं न्यूज़।
That's the only difference. Roger, toothpaste बनाने वाले और television बनाने वाले बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेते। पूरी दुनिया की जान का ठेका ले रखा है क्या तुमने? हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, वॉर शुरू करा सकते हैं, रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं, गिरा सकते हैं। सरकारों को गिराने और बनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। Just pay me and I'll be gone. Thank you very much. कितने चाहिए? 25 करोड़। 25 करोड़ ठीक है, मंजूर है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आखिर रॉजर खन्ना ने सेंसेशन क्रिएट करने के लिए यह रास्ता क्यों चुना? क्योंकि आप यही सब कुछ देखना चाहते हैं। अगर आज एक रॉजर पैदा हुआ है तो उसके जिम्मेदार हैं आप। अच्छा, जर्नलिस्ट को सिर्फ एक बात सिखाई जा रही है, अब्यूज, मिसयूज और ब्रिंग अस द ब्रेकिंग न्यूज। इसलिए आज हर चैनल पर हत्या, रेप, टॉकिंग लाइक द ओल्ड सैम, खून में भीगे हुए लोग इधर उधर भागते हुए दिखते हैं। माफ कीजिए, लेकिन आप, हम, हमारी सोसाइटी क्रूएल्टी, सेक्स और क्राइम को एंजॉय करने लगी है। अडिक्ट हो गई है वो, बीमार हो गई है, जो दूसरों की तकलीफों को मजे लेकर देख रही है, इस गलतफहमी के साथ कि उनके साथ कुछ नहीं होगा। इसलिए नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज में हम इंटरेस्ट नहीं लेते। इसरो का SLV प्लेटफॉर्म पुटनिक का रिकॉर्ड तोड़ देता है और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारी नजर तो आरोशी के कैमरा पर थी कि उसमें क्या है। देखिए सोफे पर कॉफी और पॉपकॉर्न के साथ चटपटी सेक्सी ब्रेकिंग न्यूज, तब तक जब तक आप खुद एक ब्रेकिंग न्यूज न बन जाए। और जब बन जाए तो फिर कंप्लेन मत कीजिए कि मीडिया इतना इनसेंसिटिव क्यों है। दिस इज समर ग्रोवर साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। लोग कहते हैं कि हर इंसान दो जिंदगियों के साथ आता है, एक जो उसे मिलती है और एक जो वो खुद बनाता है। लेकिन जिंदगी सही मायने से वही जीता है जो हर हाल में सच्चाई चुनता है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। I'm